तेरे हाथ पकड़ो स्टेज से पीछे हो जाओ थोड़ा थोड़ा दो कदम जल्दी जल्दी पीछे हो जाओ पीछे हो जाओ पीछे हो जाओ सारे अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है। कितने लोग विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा की प्रेजेंस खुल जाओ हाथ पकड़ो एक दूसरे का हाथ पकड़ो खुल जाओ हाथ पकड़ो खुल जाओ शर्माओ नहीं सब आपके भाई बहन है अपने हाथों को उठाओ और पवित्र आत्मा की प्रेजेंस यहाँ पर है। मैं कह रहा हूँ कि सुनो अभी इसी समय परमेश्वर आपके गीत गा रहे हैं आप अभी आपको नहीं पता पवित्र आत्मा काम कर चुका है यहाँ पर अभी किसी की हीलिंग हुई है यीशु मसीह के नाम में। जब आप नाच रहे थे अभी परमेश्वर ने काम किया है। मैं फिर से कह रहा हूँ आप नाच रहे थे परमेश्वर ने काम किया चर्च। मैं कह रहा हूँ कि आज अभिषेक उतरेगा आज अभिषेक उतरेगा और बहुत सारे लोगों के ऊपर उतरेगा। आज जब आप अभिषेक को लेंगे मैं कह रहा हूँ रिसीव करोगे कि नहीं रिसीव करने के नहीं मैं कह रहा हूँ पवित्र आत्मा काम करेगा आपके जीवन में। हेलो पवित्र आत्मा काम करेगा आपके जीवन में। हाथों को पकड़ो एक दूसरे के हाथ पकड़ लो शाबाश हाथ पकड़ लो यीशु मसीह के नाम में हाथ पकड़ो हाथ पकड़ो हाथ पकड़ो हाथ पकड़ो हाथ पकड़ो हाथ पकड़ो इसी समय रिसीव करो। पीछड़ जाओ थोड़ा स्टेज से पीछड़ो जल्दी करो मैं क्या कह रहा हूँ बस पिछले वाले नहीं स्टेज वाले पीछड़ो शाबाश एक एक लाइन पीछड़ो जल्दी करो फटाफट। आत्मा बात कर रहा है अपने हाथों को उठाओ सीधा करो और ऊपर देखो पवित्र आत्मा जी मैं समय परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता जो ये घंटों से तेरी आराधना कर रहे हैं परमेश्वर जिन्होंने आज सच में पवित्र आत्मा जी तेरी स्तुति की तेरी तारीफ की भेंट चढ़ाई है परमेश्वर आज इसी समय ऊपर वाले पवित्र आत्मा तू आ सब बोलो यीशु यीशुआ। मैं कह रहा हूँ तीन गिनने के बाद आ रहा है मैं कह रहा हूँ एक मैं कह रहा हूँ एक बोलो यीशु दो यीशु मेरे हाथ की तरफ देखो बोलो तीन तीन ये देखो आ गया यीशु फायर पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर अपने सिर पे हाथ रखो सब और इसी समय वो दया वाला हाथ बरकत वाला हाथ चंगाई वाला हाथ मेरे पिता उन लोगों के ऊपर रख दे परमेश्वर जिन्होंने इस समय पवित्र आत्मा जी आनंद मनाया है परमेश्वर ये चर्च के अंदर पवित्र आत्मा आनंद लेकर आए हैं तेरा आनंद इनके अंदर है परमेश्वर और इस समय पवित्र आत्मा इनकी हीलिंग आज आश्चर्य कर्म हो परमेश्वर आज छुटकारे होने पाए यीशु मसीह के नाम में वो ब्लेसिंग आज स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में बोलो आमीन। जोर से ताड़ी बजाएं और बैठ जाएं शाबाश साइड में साइड में हो जाओ बैठ जाओ शाबाश। दे आसां दियां आसानू ओ आस बना दे दाए मुर्दे जिला यसू तेदा 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 मुर्दे जिला यसू बे आसा दिया आसानू ओ आस बना दे सादियां आसानू ओ आस बना देता है मुर्दा हो बिठाए इनको पहले नीचे कर पीछे कर हालेलुया पीछे पीछे हो जाओ सारे शाबाश थोड़ा ना सारे जने पीछे पीछे हो जाओ हालेलुया बे आसा दियां आसानू ओ आस बना प्लीज थोड़ा पीछे पीछे हो जाइए
जीसस। हालेलुया। कलीसिया आपसे विनम्र विनती है कि आप वॉलंटियर्स की बात को माने और पीछे को होकर बैठ जाए थोड़ा, ताकि आज आपके जीवन बड़ी आशीष आए, प्रॉफिट जी आपके लिए दुआ कर सके। सभी जन अपनी अपनी जगह पे हो जाएं, पीछे पीछे हो जाएं, पीछे पीछे हो जाएं, और सिस्टर आप पीछे। जलाल यीशु दा हर पासे वेखो छाया है। जलाल यीशु दा हर पासे वेखो छाया है। कुदरत ओदी वेख के मैनू खुशी दा रोना आया है। कुदरत ओदी वेख के मैनू खुशी दा रोना आया है। दिंदा रोंदे हसा यीशु, दिंदा रोंदे हसा यीशु, दिंदा रोंदे हसा यीशु। सारे बोलो हालेलुया। हाँ जी, हाँ जी, कितने लोगों को विश्वास है कि परमेश्वर यहाँ पर है, आपके जीवन में काम करेगा? बोलो हालेलुया। और सुनो ध्यान से, अब जो आगे बैठकर बात करेगा उसको उठा दिया जाएगा यहाँ से। आपको खुली छुट्टी का मतलब ये नहीं, आप आगे बैठो और आवाजें करो, चुप हो जाए ये गांव वाली, चुप हो जाए। ध्यान से सुनना है, ध्यान से चुपचाप चुपचाप काम करना है। बाकी इधर आ जाओ, उधर खाली पड़ा है, उधर बैठा दे कोई बात नहीं। चल चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप चुप हो जाता हूं। सारे बोलो हालेलुया। हां जी, हां जी, गवाही सुनेंगे, शाबाश। गवाहियां सुनेंगे, शाबाश। गवाहियां सुनेंगे, परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करते हो परमेश्वर काम करेगा? yes. हाँ जी, गवाही के साथ सुनेंगे, शाबाश। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हालेलुया। हालेलुया। प्रॉफिट की बहुत बड़ी और अद्भुत गवाही है। ये भाई अपनी वाइफ की गवाही दे रहे हैं। ये बता रहे हैं कि 15 साल से इन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम थी और सिलेंडर लगा हुआ था, और डॉक्टर कहते थे अगर आपने इनका सिलेंडर उतारा तो ये मर जाएगी, ये बिना सिलेंडर के सांस नहीं ले सकती। और ये बता रहे हैं कि डॉक्टर ने कहा था इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, पर इन्होंने ऑपरेशन नहीं कराया और लाइफ टाइम दवाई भी खानी पड़ेगी। पर ये बता रहे हैं कि जब ये यहाँ पर आए और प्रेयर टावर में प्रेयर करवाई, और आप प्रोफेसी कर रहे थे जिन्हें अस्थमा की प्रॉब्लम है, सिलेंडर लगे हुए उतर रहे हैं, और विश्वास के साथ एनर्जी ऑयल और वाटर यूज किया। ये बता रहे हैं कि 15 साल का सिलेंडर उतर चुका है, बिना सिलेंडर के साथ ले पा रहे। चंगे देंदा बड़ियां गवाइयां है बना यीशु, देंदा बड़ियां गवाइयां है बना यीशु, देंदा लंगड़े चला यीशु, देंदा लंगड़े चला यीशु। सारे बोलो हालेलुया। आप देख रहे हैं सिलेंडर को, किसको लगा हुआ था सिलेंडर? हाँ, उधर हो जाओ, आप हट जाओ उधर से। ये आपकी क्या लगती है? आप भाभी वाले बाहर हो जाओ। ये आपकी पत्नी है? हाँ, बस नहीं नहीं, इधर आ जाओ बेटे, इधर आ जाओ, इधर बाहर नहीं जाना, इधर आ जाओ मेरे पास। हाँ हाँ, उधर आ जाओ। सारे बोलो हालेलुया। कहाँ से आए आप? घर से, झारखंड से। देखो आपके सामने स्क्रीन पर के इसको ऑक्सीजन सिलेंडर लगा हुआ है। ये तेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरे कांप रहे हैं? सारे बोलो हालेलुया। और कैमरामैन चेंज कर फटाफट, ज्यादा बोलना ना पड़े मेरे को। छोड़ दे वाइट टी शर्ट, पीछे जा उसको देख। सारे बोलो हालेलुया। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करे। बोलो हालेलुया। आपके सामने है, ध्यान से देखो कि कितने साल से इसको सिलेंडर लगा हुआ था, ऑक्सीजन सिलेंडर भी इनके पास है, और ये काफी समय से परेशान थे। अब इनकी गवाही को ध्यान से सुने, किसने चंगा किया ये खुद बताएंगे। हाँ हाँ, शाबाश, सुनेंगे इस गवाही को। जय यीशु मसीह की। आपकी बहन है, भाभी है? हाँ, दो दो गवाही दो। मेरा नाम शशि कुमार गुप्ता है, ये मेरी पत्नी है, इसको 15 साल से सांस लेने की दिक्कत हो रही थी। जब हमने एनएनटी वाइल और एनएनटी वाटर और मिट्टी लगाए और प्रोफेसी करवाए, उसके बाद से
इनको सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। सारे आदरणीय हम प्रभु को देते हैं इस मसीह की सारे बोले हालेलुया। कहां से आए आप देख रहे हैं झारखंड से आए। कितने टाइम से सिलेंडर लगा था? 15 साल का सिलेंडर कैसे उतर गया? और कोई अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लिया था आपने यहाँ से? अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लिया आपने और परमेश्वर ने काम किया आपकी लाइफ में। झारखंड से आया आप, हॉस्पिटल में थे, आपने अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया। किसने दिया था अनॉइंटिंग वाटर ऑयल? पहले ये लेकर गए थे यहाँ से और अपनी क्या कौन है, अरे यार अपनी मामी को इसने अनॉइंटिंग वाटर ऑयल दिया और आज आप देख रहे हैं कि सिलेंडर 15 साल का उतर चुका है। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कौन है ये चर्च? सिलेंडर उतरते हैं, पत्थरियां जाती, रिसोलियां जाती हैं, ऐसे नहीं है, छोटी बात नहीं है। परमेश्वर चमत्कार करता है। देखो इतनी दूर से खुद गवाही देने के लिए आए, इसको पता है कि 15 साल का सिलेंडर जब उतर गया तो कितनी खुश होगी ये। किसने चंगा किया तेरे को? नहीं तो कितने साल से परेशान थी, जगह जगह घूमती होगी, बहुत दवाई खाया। ये रिपोर्टें हैं इनके पास, हट जाओ पिछड़ जाओ, ये रिपोर्ट है, इधर हट जाओ, अपने आप हटा दे बेटे। ये रिपोर्टें इनके पास है, स्क्रीन पर दिखा कि रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में, बोलो हालेलुया। जिसको सिलेंडर लगता है उसी को पता है कि 2 मिनट भी इसको सिलेंडर के बिना नहीं रखा जाता था, ऐसा ही है। 15 साल से सिलेंडर लगा हुआ था, अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया और सिलेंडर पूरी तरीके से उतर चुका है। जा मेरी बहन, चल घूम, शाबाश, चलो चलो चलो, इसके पीछे चल, दो बज बस, हाँ हाँ चलो चलो। आपके सामने है, देख रहे हैं आप कि सिलेंडर लगा हुआ नाच नहीं सकता, सांस चढ़ता है, सब कुछ होता है, लेकिन आज देखो नाच के दिखाएगी मारी बब्बो, नाच के दिखा चल। हम चाहते हैं कि हमारे पति के हाथ में आप हाथ रखें माथा में। मेरा पति चंगा हो जाए। इसको क्या हो गया? इसको क्या हो गया? दामा थोड़ा सिखाया। अभी सुनो, इसको पता लग गया कि देखो और कितना उछल उछल के नाच रही है और इसको अपनी स्पिरिट में पता लग गया है कि परमेश्वर चंगा करता है। हालेलुया। आप देखो अपने पति के लिए सिफारिश कर रहे हैं, इसके सिर पे हाथ रख दो ना। रखते हाथ? अरे कहाँ है? ऐसे ही रखते हैं सारे, बोला हालेलुया। रखते हैं, यीशु ने रखा हुआ इसके अपराध। तम्बाकू खाना छोड़ दिया? तम्बाकू खाना छोड़ता कि नहीं? चाची बता, तम्बाकू गुटखा कितने साल से? बचपन से। फिर नशा कभी नहीं करते हैं? अच्छा, नबी कभी नहीं करते हैं, फिर इतना इतना बीमार कैसे है? कोई बात नहीं, आपको आपको उधर बुलाएंगे अंदर, जाओ जाओ, शाबाश शाबाश, तारीफ करो जोर से, बोलो हालेलुया 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 हालेलुया। हाँ जी हाँ जी, परमेश्वर सुनता है कि नहीं चर्च? यस। आप देख रहे हैं जिसको 15 साल से सिलेंडर लगाओ ना, वो यूं आएगा, यूं आपके सामने नाच रही है, गा रही है, यीशु मसीह ने चमत्कार कर दिया। हालेलुया हालेलुया। जो आप अनॉइंटिंग वाटर ऑयल देखते हैं उसमें मेरे आंसू मिले हुए, मैं प्रार्थना करके उसमें मैंने पानी नहीं मिलाया, अपने आंसू मिलाए हैं और पवित्र आत्मा चंगा करता है यीशु मसीह के नाम में। बाइबल में लिखा बीमारों पर तेल मलो और बीमार चंगा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपका यहाँ हाथ जोड़कर बैठना, आपका सीरियसली बैठना, मैं कह रहा हूँ परमेश्वर देख रहा है। मैं कह रहा हूँ 5 मिनट के बाद गवाहियां आपके घर भी आने वाली हैं आज यीशु मसीह के नाम में। हाँ जी हाँ जी, सुनेंगे, शाबाश। प्रोफेटिस बहन की बहुत बहुत बड़ी गवाही है, ये बता रहे कि इसके पास पहले 2 लड़कियां थी और ये बहन कंसीव नहीं कर पा रही थी, और ये बता रहे कि जब इस बहन ने लेहन प्रेयर करवाया और आपने इसके सिर पर हाथ रखकर दुआ किया और कहा बहन तो अगली बार आएगी और बेबी बॉय के साथ आएगी, इस बहन ने रिसीव किया। ये बता रही है 11 साल के बाद
जितने जल रहे हैं इस गवाही से वो दो बार छलांग लगा दो। सारे बोले हालेलुया। आप खुश हो रहे हैं कि नहीं? मुझे पता है कई लोग ताड़ी भी नहीं मार रहे, ऐसे कर रहे हैं। अच्छा मुझे पता है कई लोग ऐसे कर रहे हैं। अच्छा पहली बार तो फर्स्ट टाइम आई हूं मैं यकीन कैसे करूं, मैं क्या कर सकता हूं? देखो आपके सामने है, कहां से आई बहन? यूपी से आई है। यूपी वालों सुन लो, यीशु मसीह काम कर रहा है तुम्हारे यूपी में। बोला हालेलुया। देखो ये 15 साल से बेटा मांग रही थी, इसने बेचारी ने पहले चीकू खाया फिर लड़की होगी, फिर केला खाया किसी बापे पे गई फिर भाई साहब लड़की होगी, और अब आपके सामने है, इसने यीशु मसीह का वचन खाया बेटा हो गया। हालेलुया। हालेलुया। आप सुनो इसका नाम पूछते हैं, पूरा पूरा नाम के पीछे क्या लगाते हो तुम? शर्मा। देखो आपके सामने है, ये क्रिश्चियन तो नहीं है, ये शर्मा है, पंडित है। और आपके सामने है कि ये यहाँ पर आई, इसका मतलब इसने शर्मा फैमिली से पहले क्या क्या खाया होगा आपको बताइए। पूड़े हलवे पूरी के चालू, लेकिन फिर भी ये चालू नहीं हुई। आपके सामने है कि नहीं? लेकिन आज ये परमेश्वर के सामने यहाँ पर अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लेकर गई और विश्वास किया वचन पर कि परमेश्वर एक धर्म का नहीं सब धर्मों का परमेश्वर है। चिंता ना करो, हर जाति का परमेश्वर है। आप किसी भी धर्म में पैदा हो गए आपका कसूर नहीं है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि लेकिन मैं हर एक जाति के घुटने टिकाऊंगा, जीव अंगीकार करेगी यीशु मसीह प्रभु है, उनके सामने मैं टेस्टिमनी दूंगा कि हर जाति में परमेश्वर चमत्कार कर रहा है। कर रहा है कि नहीं? कोई कोई भी जाति हो, मैं खुद जाट परिवार से हूं, आपके सामने है, मैं कोई बाय बर्थ क्रिश्चियन नहीं हूं, लेकिन मैं बार बार इसलिए समझाता हूं आपको कि आपकी अकल में आए, आप समझो इस बात को कि परमेश्वर वो बहुत सुंदर है, बहुत प्यार करता है आपसे। बोला हालेलुया। देखो उसने ले एंड प्रेयर कराई, ले एंड का फायदा है कि नहीं चर्च? नहीं नहीं नहीं, फ्री एंड का फायदा है। जो ले हैंड कराना चाहते हैं, फ्री हैंड कौन कौन कराना चाहते हैं? फ्री हैंड अपने सिर पे हाथ रख लो, जाओ अपने आप दुआ करो, होगी फ्री हैंड। सारे बोला हालेलुया। परमेश्वर आपकी भी सुनेगा, विश्वास करो। और देखो ये बहन खुद बताएगी आज परमेश्वर ने चमत्कार किया। हाँ जी हाँ जी, सबको जय मसीह की, पापा जी की जय मसीह की। हाँ हाँ, प्रभु का धन्यवाद है प्रभु। मैंने ले हैंड प्रेयर, पापा जी ने मेरे सर पे हाथ रख कर प्रेयर की थी, वो ने प्रॉपर्टी की कि अगली बार जब भी तू आएगी बेटे की गवाही के साथ में आएगी। और ऐसा हुआ कि मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं आऊं आऊं आऊं, लेकिन पता नहीं क्यों मैं आ ही नहीं पाई। बच्चा हो गया था ना, अब कहाँ आ गई तू? बहुत प्रभु ने दिया हुआ था, मुझे कहा हुआ था मेरे लिए कि बेटे को ले, आज मैं बेटे के साथ में बेटी ब्लेसिंग लेके आई हूँ। तारीफ करो चोर से, हालेलुया। और मैं चाहती हूँ जैसे मुझे ब्लेसिंग मिली प्रभु पूरे वर्ल्ड में पापा जी के द्वारा प्रभु के द्वारा सबको ब्लेसिंग मिले, मैं सारा आदर महिमा जलाल नासरी को देती हूं। मैं डर गया था, मैंने कहा कहीं ये ना कह रही हो कि जैसे मुझे मिला प्रभु पास्टर को भी दे। आप देखो केले नहीं आई, आज मिठाई के डब्बे के साथ भी आई है। तारीफ करो जोर से, बोला हालेलुया। एक साल कितने टाइम पहले आए थे आप यहाँ पर? मैं सन 2019 में आई थी। सन 2019, 20 और 21 चल रहा है। एक साल के अंदर अंदर प्रेगनेंसी हो गई थी मेरी। एक साल के अंदर अंदर परमेश्वर ने चमत्कार कर दिया। 15 साल के बाद परमेश्वर ने इसको गर्भ से फिर आशीष दिया और आज बेटे के साथ आई है। तारीफ करो जोर से, बोलो हालेलुया। बोलो अपने पड़ोसी को पूछो, बोलो ऐसा कितना हो गया? बोलो साढ़े चर्च में ज्यादा ही हो जाता है। कई कहते ऐसा कितना हो जाता है, यीशु नाम विच ऐसा ही हो जाता है। कई कहते ऐसा कितना हो जाता है, यीशु नाम विच ऐसा ही हो जाता है। बोलो हालेलुया। पापा जी वैसे तो मेरे साथ प्रभु ने मेरे साथ बहुत गवाही दी है, मेरे साथ बहुत ही अद्भुत। आपकी आवाज नहीं आ रही, मुझे तेज बोलो थोड़ा। बहुत अद्भुत काम किया, बहुत गवाही बनी है। लेकिन मैं प्रार्थना कर रही थी कि मेरे 3 भांजे हैं, 2 ननंद के बेटे और 1 मेरी बहन का लड़का, उनके लिए प्रार्थना कर रही थी। हाई स्कूल में तीनों पास हो जाए, तीनों ही एक बार में ही पास हो गए, तीनों ही पास हो गए। ठीक है जाएंगे जाएंगे, शाबाश शाबाश। हाँ जी हाँ जी, चलो जाओ जाओ बेटे, जाओ जाओ शाबाश। नाम बाद में रखेंगे, प्रे टावर से पूछना है, अभी टाइम नहीं नाम रखने का। मुझे खुद ही अपने बच्चों का नाम याद नहीं है,
सुनो सारे बोला हालेलुया। नाम रखेंगे, पक्का रखेंगे। आप प्रेयर टावर से नंबर करके पूछना, मैं नाम बताऊंगा। सारे अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर छत नहीं हमारे पास, थोड़ी देर रहम कर। हाँ हाँ बोलो हालेलुया। हाँ जी हाँ जी, प्रॉफिट जी बहुत बड़ी गवाही है। ये ब्रदर अपनी बेटी की गवाही दे रहे हैं कि इनकी बेटी बचपन से गूंगी और बहरी थी। एक और गवाही आप सुन रहे हैं कि नहीं? अभी सिलेंडर उतरा, दूसरी गवाही आपने सुनी कि 15 साल के बाद बेटे की आशीष मिला। हाँ हाँ हाँ, फिर सुने। ये बहन बचपन से गूंगी और बहरी थी, बचपन से गूंगी और बहरी थी चर्च। हाँ हाँ, और डॉक्टर्स के पास गए तो डॉक्टर बोलते थे कि ये बहन कभी ना तो सुन पाएगी और ना ही कभी बोल पाएगी, लेकिन ये ब्रदर विश्वास के साथ चर्च में आए और आपने प्रोफेसी किया कि जो भी गूंगे बहरे हैं वो आजाद होने के लिए जा रहे हैं। ब्रदर ने उस प्रोफेसी को रिसीव किया और बता रहे कि ये बेटी अभी सुन पा रही है और बोल पा रही है। कई कहते तो किता हो जाता है, ये सुनाम विच ये दावी हो जाता है। कई कहते तो किता हो जाता है, ये सुनाम विच ये दावी हो उछलते हुए चर्च उछलते हुए झूमते हुए फिर से गा। कई कहते तो किता हो जाता है, ये सुनाम विच ये दावी हो जाता है। अपने हाथों को उठाओ सब, एक छलांग लाकर बैठ जाओ, शाबाश, तारीफ करो जोर से। हाँ 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 बोलो हालेलुया। ये पवित्र आत्मा चमत्कार कर रहे हैं कि नहीं? विश्वास कर रहे हो? मैं कह रहा हूँ जितनों ने छलांग लगाई है उनके घर भी गवर्नमेंट जॉब की आशीष आ रही है, अब डबल लगेगी। हाँ जी हाँ जी, सुनेंगे गवाही को सुनेंगे। सारिकल से जी को जय मसीह की, जी पापा जी को भी जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया। जो ये लड़की है जी, ये जन्म से गूंगी और बहरी थी, और हमें 5 संडे हो गए यहाँ चर्च में आते हुए, और 5 संडे के बाद 2 संडे में ये बोलने लगी थी छोकरी। हालेलुया। आप कहाँ से आए भाई साहब? मैं सहारनपुर यूपी से। अरे यूपी वाला पर मेहरबान हो रहा भाई, क्या बात है। इसको कम भी दिखता था। सुनो ये भाई बता रहे कब से, बचपन से गूंगी थी, बचपन से गूंगी थी, करा 5 संडे आया और दूसरे संडे में ही बोलने लगी। बोलो हालेलुया। कई कहते ये तो किता हो जाता है, ये सुनाम विच ये दावी हो जाता है। कई कहते ये तो किता हो जाता है। बोलो हालेलुया। आप मिले हो मेरे से कहीं? नहीं मिले। नहीं कहीं मिले मेरे से? नहीं मिले। नहीं मिले? नहीं मिले। माइक करो आगे इसके, लड़की माइक कर, बोल बेटे पापा, जोर से बोल पापा, बोल पापा, पापा। कई कहते तो किता हो जाता है, ये सुनाम विच ये दावी हो जाता है। आप सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं यीशु मसीह के नाम में। बोलो गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं, यीशु तेरा सबसे प्यारा नाम। बोलो तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। सारे बोले हालेलुया हालेलुया। बैठ जाए बैठ जाए। अब इसी समय परमेश्वर ने चमत्कार किया। किसने बताया था यहाँ के बारे में आपको? यूट्यूब पे देखा था। यूट्यूब पे जी। अरे एक गवाही हो रहा है मेरे बच्चे की। हाँ? रिंकू नाम का है, वो उसका ऑपरेशन हो जाएगा, उसका पथरी चली गई थी पेट में। हाँ? तो उसने अमरूद खा लिए। अमरूद खा लिया? आगे देखिए बोलो। अमरूद खा लिए कच्चे जी, और पूरी जो आंते हैं पेट की वो सब रुक गई। डॉक्टर को लेकर फिरा, कहीं नहीं कुछ भी हुआ। तो गिलगोस लगा हुआ था, दोपहर को मैं बाइबल पढ़ रहा था जी। पापा जी आप गए वहां पे मेरे घर पे, पक्के प्योर यूपी गए, बाइबल पढ़ रहा था भाई। हाँ जी हाँ जी, बाइबल पढ़ रहे थे जी, और आप हमारे घर पर गए। पहले तो बच्चे को आशीर्वाद दिया, फिर उसके बाद आपने पेट पर हाथ फेरा, मेरे बच्चे के वो चंगा हो गया। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? ये यीशु मसीह है
और वो जब अगर आप देखते हो तो इसका मतलब ये एंजल हैं, एंजल जाते हैं हमारी शक्ल में, हालेलुया, काम करते हैं आपके घर पर वो। और ये भाई बता रहा है, ऐसे नहीं आया भाई साहब, ये पवित्र आत्मा ने मुझे बताया था, कहा था चिंता मत कर, कह रहा कि मैं लोगों को बताऊंगा, लोगों को मैं लोगों को बताऊंगा कि चमत्कार होगा इस चर्च में यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आप अद्भुत काम देखेंगे। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि मैं आज आठवीं गवाही सुनकर आ रहा हूं। 2020 में भविष्यवाणी किया था कि आप इस चर्च में मुर्दों को भी जिंदा होते देखेंगे, गवाहियां सुनेंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, मैं आशीर्वाद देता हूं, उधर जाओ गवाही से उधर लेके आएंगे, शाबाश उधर से लेके आओ गवाही, हाँ शाबाश गवाही लिखो उसकी। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको कि पवित्र आत्मा ने कहा था कि मुर्दे जिंदा होंगे, और मैंने आज जलंधर के अंदर आठवीं गवाही सुना कि आठवीं गवाही सिर्फ कब, 2020 शोभा यात्रा में भविष्यवाणी किया था कि 2021 में प्रभु बड़ा काम करेगा, मुर्दे जिंदा होंगे, और आठवीं गवाही मैं सुन चुका हूँ यीशु मसीह के नाम में। ये शुरुआत है क्योंकि पवित्र आत्मा ने कहा कि मैं तुम्हें सामर्थ देता हूं, क्योंकि सामर्थ यहोवा का है। कह रहा अंधे देखेंगे, लंगड़े चलेंगे, तुम प्रार्थना करोगे मुर्दा भी जिंदा हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं अगर आप विश्वास करते हैं, ये विश्वास करने वाली बात नहीं है लोगों के लिए, ये लोगों के सिर के ऊपर से जाती है, लेकिन लोग नहीं विश्वास करते। लेकिन बाइबल बोलती है कि ये कह रहा है कि विश्वास है, और बाइबल के अंदर लिखा कह रहा जो विश्वास करेगा उसके लिए वैसा ही हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। ये पवित्र आत्मा चमत्कार कर रहा है। हां जी हां जी, नेक्स्ट नेक्स्ट, जल्दी जल्दी जल्दी, परमेश्वर आपको छुए और बड़ी बरकत दे। मुर्दा होए लाजरिज साए अपना पावे साए, मुर्दा होए लाजरिज। हालेलुया, प्रॉफिट जी बहुत बड़ी गवाही है। ये भाई अपनी बेटी की गवाही दे रहे हैं, ये बता रहे हैं कि 2 साल पहले इनके पैरों में जख्म हो गया था, और इसकी हड्डी और इसका मांस गल गल के इसका भुरता था और वो झड़ जाता था। और जब ये यहाँ पर आए तो आपने प्रोफेसी किया था, डॉक्टर ने बोला था इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, पैर काटना पड़ेगा, और आपने प्रोफेसी किया इसका पैर कटेगा नहीं, परमेश्वर ने चंगा करने जा रहा है। इन्होंने एनेंटिंग ऑयल लगाया और ये बता रहे ऑपरेशन कैंसिल हो चुका है, पैर कटना कैंसिल हो चुका है, ये चंगी हो चुकी है। पैर नहीं टांग, सुन रहे सारे बोलो हालेलुया। आपके सामने है कि आप देख रहे हैं इस बात को कि ये पूरा ये एलर्जी देख रहे हैं, इस पर एलर्जी ये सारा बढ़ रहा था, ये सारा ऊपर तक बढ़ रहा था, और डॉक्टर ने कहा था इसकी टांग काटनी पड़ेगी। सही कह रहा हूं मैं आपको, मेरे याद आ गया। और मैंने कहा था पवित्र आत्मा काम कर रहा, ऑयल लगाया था, और आज देखो इसकी टांग काटनी नहीं पड़ रही, इसकी ये सारा जख्म पहले खून से भरा हुआ था, एलर्जी थी, और आज देखो अब ये बिल्कुल पूरे तरीके से बिल्कुल टांग बच गई। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। हाँ सुनेंगे गवाही कहाँ से आए बताएंगे जल्दी से। आप सभी को जय मसीह की, पास्टर जी को भी जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि पास्टर जी ने बोला था कि इसका पैर कटेगा नहीं, और ये चले, और परमेश्वर ने इसके ऊपर इतनी दया करी है और इतना अनुग्रह करा है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि डॉक्टर ने क्या बोला था, क्या प्रॉब्लम थी पहले बताओ, शुरू से बताओ इसको क्या प्रॉब्लम थी। इसको शुरू से ये प्रॉब्लम थी, डॉक्टर ने ये बोला था कि इसका ये पैर काटना पड़ेगा, इसको गैंग्रीन हो गया था। गैंग्रीन गैंग्रीन हो गया था, बिल्कुल ड्राई हो चुका था ये पैर। डॉक्टर क्या बोल रहा था, टांग काटनी पड़ेगी, आधी टांग काटनी पड़ेगी, काफी ज्यादा फैल गया था ये। हाँ हाँ, फिर मैं यहाँ पे ये जब इसकी मैं गवाही भी देने आया था, ये बीमार हो गई थी, वेंटिलेटर पे भी थी, तो मैंने प्रेयर टावर पे प्रेयर करवाई थी, तो तभी मेरे को बोला गया था कि आपके बच्चों को कुछ नहीं होगा, ये वेंटिलेटर पे भी 27 दिन तक रही है। कोई ऑयल लगाया था आपने, एंटिंग ऑयल और एंटिंग वाटर लेके मोबाइल दो ये। हाँ बताएंगे, शाबाश। ये बच्चा आईसीयू में रहा है 27 दिन तक, और वहीं पर इसके पैर में क्या कहते हैं गैंग्रीन हो गया था, और हमने प्रेयर टावर पे फ़ोन करके प्रेयर करवाई, और प्रेयर टावर से हमें ये बोला गया कि आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा, और परमेश्वर ने उसको एक नया जीवन दिया। उसके बाद फिर 2019 में हम लोग यहाँ पर आए थे, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था इसका पैर एम्पुटेशन होगा, मतलब काट दिया जाएगा, तो हम यहाँ पर आए थे क्योंकि हम लोग बहुत परेशान थे कि अगर इसका पैर कट जाएगा तो ये बच्चा कैसे चलेगा। मगर परमेश्वर के दास ने बोला कि ये पैर नहीं कटेगा और ये बच्चा बिल्कुल ठीक है, अब ये बच्ची हमारी चलती है, फिरती है, दौड़ती है, परमेश्वर के धन्यवाद करते हैं। चलाओ इसको नीचे खड़ा करो, छोड़ दो इसको,
आ बेटे आ आ आ आ, आ, आ काम 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 स्क्रीन पे बटियां का भैया है बना यसो तेंदा बटियां का भैया है बना यसो आ जा 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 रे चला यसो तेंदा लगड़े चला यसो तेंदा लगड़े चला यसो तेंदा लगड़े चला यसो चले छूटे रे चला यसो टप्पी बना कर लगड़े चला यसो खुश हो रहे हैं। देखो छोटी बच्ची की जिंदगी बनी कि नहीं। सारे बोलो हालेलुया। आप देख रहे हैं समय के टांग देख रहे हैं इस बच्ची की और ये बिल्कुल काट दी थी डॉक्टर ने लेकिन आज बेचारी छोटी सी बच्ची को जीवन मिला कि नहीं। हाँ बेटे आ मैं ही हूँ तेरा पास्टर आजा आजा तेंदा बटियां का भैया है बना यसो 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 तेंदा लगड़े चला यसो तेंदा लगड़े चला यसो तेंदा लगड़े चला यसो तेंदा लगड़े चला यसो। हालेलुया। सही में अगर इसकी टांग कट जाती तो बसाखी लेनी पड़ती कि नहीं। लेकिन ये पवित्र आत्मा है। तारीफ करो जोर से। जाए 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 शाबाश। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। हां जी हां जी हां जी हां जी। तेंदा बटियां का भैया है बना यसो तेंदा बटियां का भैया है बना यसो तेंदा बटियां का भैया है। हालेलुया। प्रॉफिट इस बहन की बहुत बड़ी गवाही है। ये बता रहे 4 साल से इस बहन के पास बेटी थी और बेबी बॉय ये कंसीव नहीं कर पा रहे थे पर जब विश्वास के साथ ये बहन मीटिंग में आए और आपने प्रोफेसी किया कि जिनके पास बेटा नहीं है वो रिसीव करो वो बेबी बॉय के साथ ब्लेस होने के लिए जा रहे विश्वास के साथ इस बहन ने रिसीव किया। ये बता रही है 4 साल के बाद बेबी बॉय से ब्लेस हो चुकी है। जो भी मांगेंगे वो भी मिल जाएगा जो भी ढूंढेंगे वो भी पाएंगे खटखटाए तो खुल जाएगा। अपने पड़ोसी को बोलो शक मत कर विश्वास कर। हालेलुया। मत भाग बारिश नहीं आएगी अभी। ओ क्या रखा टेंशन क्यों ले रहे हो। ओ क्या रखा ऊपर वाले को सेटिंग है अपनी यार टेंशन क्यों लेते हो वेट करो विश्वास करो। हालेलुया। हाँ जी हाँ जी कहाँ से आए बताओ बताओ। पटियाले से। हाँ हाँ कितने बच्चे थे पहले बताओ शाबाश। एक बेटी है। अब खुल के बताओ। एक बेटी है 4 साल बाद हुई है जिस मसीह दे आन। हालेलुया। कोई बात नहीं से आप समझ सकते हैं कि ये नए लोग हैं। नहीं पहले एक बेटी थी। पहले कितनी बेटी थी 4 साल। एक बेटी हुई 4 साल बाद। उसके बाद आपको डॉक्टर ने जवाब देता सी भी आप दे बच्चा नहीं किसी होंदा ਅਸੀਂ ਗੋਦ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਬੱਚਾ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੋਈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹਿਨ ਕੇ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਥੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆ ਥਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋ ਲੇਕਿਨ ਯਹਾਂ ਪਰ ਆਈ ਕੋਈ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਵਾਟਰ ਓਇਲ ਲਿਆ ਥਾ। ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਵਾਟਰ ਓਇਲ ਲਿਆ ਪਟਿਆਲੇ ਸੇ ਆਈ ਔਰ ਆਜ ਆਪਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਟੇ ਕੇ ਸਾਥ ਆਈ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੇ ਨਾਮ ਮੇ। ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀ ਕੋ ਬੋਲੋ ਤੇਰੀ ਵੀ ਸੁਨੇਗਾ ਕਿਉਂ ਸੜ ਰਹਾ। अपने पड़ोसी को कहो तेरी भी सुनेगा परमेश्वर। विश्वास करते हो कि नहीं। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर काम कर रहा है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जोर से जाए 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 शाबाश। जो भी मांगेंगे वो भी मिल जाएगा जो भी ढूंढेंगे वो भी पाएंगे खटखटाए तो खुल जाएगा। हाँ जी हाँ जी। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। जो लोग बारिश से डर रहे हैं वो भाग जाओ। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। देखो स्क्रीन पर आप कितने सुंदर लग रहे हो। आज चर्च भरा हुआ है कि नहीं। मैं कह रहा हूँ आशीष आने वाली है आपके घर यीशु मसीह के नाम में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। प्रॉफिट जी बहुत बड़ी गवाही है। हाँ हाँ। ये भाई अपनी गवाही दे रहे हैं कि इनकी मैरिज को 4 साल हो गए थे
और इनके पास कोई भी बच्चा नहीं था, और इनकी वाइफ को दो बार मिसकैरेज भी हुआ, और ब्रदर ये विश्वास के साथ चर्च में आए और आप प्रोफेसी कर रहे थे कि जिनके पास बेटे नहीं है खुदा उनको बेटे के साथ ब्लेस करने के लिए जा रहे हैं। ब्रदर ने उस प्रोफेसी को रिसीव किया और बता रहे हैं कि खुदा ने इनको 4 साल के बाद बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है। जो भी मांगेंगे वो भी मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वो भी पाएंगे, खटखटाए तो खुल जाएगा। वो है, यानी ऊपर उंगली करो जो निराश है, बोलो वो है, जिसके पास बच्चा नहीं है बोलो वो है, जिसके पास नौकरी नहीं है बोलो वो है। ओए स्क्रीन पे अकबर, मैं इधर हूं, सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। मैं कह रहा हूं जिसके पास बच्चा नहीं है बोलो वो है, है कि नहीं? यस। जिसके पास नौकरी नहीं है बोलो वो है, जिसके पास अच्छा बिजनेस नहीं है बोलो वो है, बिहार की भाषा में बोलो वो है, है कि नहीं? मैं कह रहा हूँ परमेश्वर सुनता है चर्च। हाँ हाँ बताएंगे, शाबाश गवाही सुनाएंगे जल्दी जल्दी। मेरी जेम्सी की, मेरे भाई और भाभी हैं, इनके पास 4 साल से कोई भी बच्चे की आशीष नहीं थी, कोई भी बच्चा नहीं था 4 साल से। हाँ हाँ फिर हम यहाँ पर आए और यहाँ से अनॉइंटिंग ऑयल और तेल लिया और परमेश्वर पर और परमेश्वर की ओर से प्रोफेसी हुई कि परमेश्वर मेरे भाई और भाभी को 4 साल के बाद बेबी बॉय से आशीष किया है। हालेलुया, हालेलुया। कहाँ से आए आप? अंबाले वालों, तुम्हारे घर भी गुड न्यूज आ रही है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर काम कर रहा है, तारीफ करो जोर से, सारे बोला हालेलुया। किसने बताया यहाँ के बारे में? पापा ने बताया। पापा ने? जोर से ताड़ी बजा दो पापा के लिए। जाएं जाएं जाएं, शाबाश शाबाश। बोलो जो भी मांगेंगे वो ही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वो ही पाएंगे। हालेलुया। सारे बोलो जो भी मांगेंगे मिल जाएगा, जो नहीं मांगेंगे वो नहीं मिलेगा। बाइबल बोलती है मांगोगे दिया जाएगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हालेलुया। पता नहीं क्या कर रहा अकबर तू। प्रॉफिट जी बहुत बड़ी गवाही है, ये बहन स्पेशल नेपाल से गवाही देने के लिए आए हैं। ये बता रहे हैं कि इनको बहुत सालों से बच्चेदानी में कैंसर था और शुगर हो गया था और पैरालिसिस भी था और पित्त में पथरी भी थी। ये बता रहे कि जब ये यहाँ पर आए और इन्होंने प्रोफेसी को रिसीव किया और एनेंटिंग ऑयल और एनेंटिंग वाटर को विश्वास के साथ यूज किया, ये बता रहे कि हर एक बीमारी से ये आजाद हो चुके, कैंसर जा चुका है, पैरालाइज जा चुका है और पित्त में पथरी जा चुकी है। बीमारी से क्यों डरूं, लाचारी से क्यों डरूं, तूफानों से क्यों डरूं, क्यों डरूं, लाचारी से क्यों डरूं, तूफानों से क्यों डरूं, मेरा यीशु जो इतना महान है, मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है, परमेश्वर है। बैठ जाओ, शाबाश गवाही सुनेंगे, शाबाश सुनेंगे ध्यान से। देखो नेपाल से स्पेशल आई है, बच्चेदानी में कैंसर था और परमेश्वर ने आजाद कर दिया, बोलो हालेलुया। हाँ जोर से बोलो हालेलुया। नेपालन ठीक है, बोलो बोलो, बताओ बताओ, शाबाश। मैं ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, ये ट्रांसलेशन कर रही है, ये क्या ये बता रही है कि मुझे प्रॉब्लम थी, मेरे प्रभु ने मुझे ठीक कर दिया, बोलो हालेलुया। अब लेकिन ये बताओ कि प्रॉब्लम क्या थी, बच्चेदानी में कैंसर था आपको? पहला बच्चेदानी में कैंसर था, नेपाल में धोना हो रहा ना, आर्मी लोग वही मेरा बच्चेदानी में बहुत कैंसर था, इतना बड़ा हम
था, वो डॉक्टर से कहा है लखनऊ ना मत जाना, दिल्ली मत जाना, बिरासन काठमांडू मत जाना, छावनी मत जाना। छावनी में मेरा लड़का था, मेरे तो अभी से उससे करेगा पैसा नहीं लगा था, मैं तो प्रभु के है कैसे अभी करेगा, मैं तो प्रभु अर्पण करता है। चुप चाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, करो मत चुप चाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो। सारे बोलो हालेलुया। ये बहन बता रही है कि मेरा बच्चा छावनी में नौकरी करता है, दिल्ली लेके जा रहे थे, एक आ रही नेपालन, दिल्ली लेके जा रहे थे इलाज कराने के लिए, लेकिन बच्चेदानी में कैंसर बता दिया था, लेकिन इसने कहा मेरा खुदा ठीक करेगा। और जैसे ही ये यहाँ से एनॉइंटिंग वाटर ऑयल लिया, यहाँ आई और परमेश्वर ने चमत्कार कर दिया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। सुनो, इसको और कुछ आए ना आए, किसी भी पूरी दुनिया के अंदर आपको भाषा कोई आए ना आए, लेकिन हालेलुया वर्ड्स एक ऐसा है कि सबको आता है। तो बोलो हालेलुया, हालेलुया। हाँ, इस माँ को मैं इंग्लिश में पूछ रहा हूँ, व्हाट इज योर नेम? इसको नहीं पता। व्हाट इज योर नेम? मीना, 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 खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो। हालेलुया। और सुन लो, सुन लो, इसको मीना, ये नेपालन कैसे ना समझो तुम। ये तो बहुत तेज निकली हमारी बहन है, शाबाश शाबाश। देखा आपके सामने चमत्कार हो गया कि नहीं? एक आधा आ ही जाता है। हालेलुया, परमेश्वर आशीष दे नेपाल वालों को। तारीफ करो जोर से, जाए जाए जाए। अब कैंसर ठीक हो गया? ठीक हो गया, प्रभु ने ठीक होया। प्रभु ने डॉक्टर ने कहा है दबे करना पड़ेगा, मैं तो नहीं, डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। इतना बड़ा पेट हो गया था, इतना बड़ा हो गया था, सब साटता है, सब पानी निकलता है, गंदे है, गंदे गंदे गंदे, इतना बड़ा हो गया था। डॉक्टर से तो बोलता है लखनऊ जा, दिल्ली बम्बे का है, मैं नहीं जाएगा। किसने बताया? किसने बताया यहाँ के बारे में? डॉक्टर से, यहाँ के बारे में, यहाँ के बारे में यूट्यूब में मेरे लड़का है, लड़का यहाँ यूट्यूब से देखा इसके लड़के ने। बोलो हालेलुया, तारीफ करो जोर से, जाएं जाएं, शाबाश शाबाश। कहीं कहते ये तो किता हो जाता है, ये सुनाम विच ये तागी हो जाता है, कहीं कहते ये तो किता हो जाता है, ये सुनाम विच ये तागी हो जाता है। बोलो हालेलुया, जल्दी जल्दी। हाँ जी, जल्दी। प्रॉफिट जी, बहुत बड़ी गवाही है ये बहन अपनी गवाही दे रहे हैं कि बहन के पास 13 साल से कोई भी बच्चा नहीं था और डॉक्टर्स के पास 13 ईयर से कोई बच्चा नहीं था। सुने इस गवाही को ध्यान से। हाँ जी, हाँ जी। और डॉक्टर्स के पास गए तो डॉक्टर्स ने इनकी ट्यूबें बंद बताई थी और बोला था कि आपको कभी भी बच्चा नहीं हो सकता, लेकिन ये बहन ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग अटेंड कर रहे थे और आपने प्रोफेसी किया कि जिनके पास बच्चे नहीं है खुदा उनको बेटे के साथ ब्लेस करने के लिए जा रहे हैं। बहन ने उस प्रोफेसी को रिसीव किया और बता रहे हैं कि इनको खुदा ने 13 साल के बाद बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है। जो भी मांगेंगे वो भी मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वो भी पाएंगे, कटकटाए तो खुल जाएगा। चर्च यीशु, यीशु है कि नहीं? यस। 13 इयर्स थोड़े नहीं होते हैं, ये बेचारी रो रही होगी और कहां कहां घूम रही होगी। नहीं, 13 इयर्स थोड़े नहीं होते। मैं फिर से कह रहा हूं कि आपके सामने देखो यहां पढ़ाई और आज बच्चे के साथ है। हां जी, सुनेंगे गवाही को, शाबाश। कहां से आए बताएं? मलियाबाद से आई हूं पास्टर जी। माइक में बेटे जोर से बोलो। मलियाबाद से आई हूं मैं। ननियाबाद नहीं, हमें बता कहां है? लखनऊ के पास है मलियाबाद। ऐसे बोल, सीधा यूपी से आई हूं। हां, यूपी से। हां हां, मेरी ये गवाही है मेरे जीवन की कि मैं यूट्यूब पे देख रहे थे, ऑनलाइन प्रेयर हो रही थी तो मैंने देखा और पापा जी आप बोल रहे थे कि जिनके बेटा नहीं हो रहे हैं उनको बेटा होने के लिए जा रहे हैं और हम 13 साल के बाद हमारा ये बेबी बॉय के साथ हम ब्लेस हुए हैं। हालेलुया। 13 साल के बाद कहीं दवाई लेने नहीं गए आप? नहीं, छोड़ दो उसको, पकड़ने दो। हॉस्पिटल गए थे तो लोगों ने बताया, पास डॉक्टरों ने बताया कि बच्चा आपका भी नहीं होएगा। क्यों नहीं होएगा? मतलब ट्यूबे बंद थी, दोनों ट्यूबे बंद थी और आपने सिर्फ रिसीव किया, यहाँ पे कोई एनॉइंटिंग वाटर ऑयल नहीं लिया। बीच बीच में मैं
के गई हूँ पर गवाही नहीं दे पाई। बीच बीच में यहाँ पर आए थे आप, अनोइंटिंग वाटर ऑयल लिया था यहाँ से, अनोइंटिंग वाटर ऑयल लेकर गई और लाइव में भी प्रोफेसी को सुना, बीच बीच में यहाँ से होकर गई और आज ये 13 साल से जो इसको औलाद नहीं थी और आज 2021 में आप देख रहे हैं बेटे के साथ आई है चर्च। कौन है ये, कौन है? वो भी मिल जाएगा जो भी दूंगे। अपने हाथों को उठाऊं, बोलो कि आज जो भी मैं भी मांगूंगा मुझे भी मिल जाएगा। यस आमेन। आज कहूं परमेश्वर से, मैं फिर से कह रहा हूं परमेश्वर को, बोलो जो मैं मांगूंगा मिल जाएगा। आज मेरी बारी है। हाँ जी, हाँ जी, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। मैं फिर से कह रहा हूं कि परमेश्वर सुनता है। आप सुन रहे हैं 13 साल वालों की सुन रहा है, तो आपकी क्यों नहीं सुनेगा? आपकी सुनेगा चर्च। आप कहीं से भी आई हुई प्लेस, यहाँ पर स्वर दूत घूम रहे हैं, एंजल घूम रहे हैं, आपको नहीं पता? अभी बताऊंगा 5 मिनट में। सुनेंगे, शाबाश। प्रॉफिटी इस बहन की बहुत बड़ी गवाही है। ये बता रही है कि इनके बच्चेदानी में 1 साल से ट्यूमर की गांठ हो गई थी और डॉक्टर्स ने ऑपरेशन के लिए बोला था और इन्होंने बहुत इलाज करवाया पर कोई फर्क नहीं पड़ा। पर जब यहाँ मीटिंग में आए और आपने प्रोफेसी किया कि जिनको गांठ है वो धुआं बनकर उड़ने के लिए जा रही है, इस बहन ने रिसीव किया। ये बता रही है वो ट्यूमर की गांठ धुआं बनकर उड़ चुकी है, नॉर्मल रिपोर्ट के साथ प्लस हो चुकी है। कई कहते तो कितना हो जाता है ये सुना बिते। हाँ, सुनेंगे जल्दी जल्दी, शाबाश। टाइम पापा जी को जय मसीह की, सारी कलीसिया को जय मसीह की। मैं यूपी से आया हूँ, जिला बाराबंकी वाले ही हो रहे आजकल हैं, जिला बाराबंकी से। मेरी पत्नी को जो है कि अप्रैल से लेकर हमने अगस्त तक 4 महीना इतनी दवा कराई, 3 नर्सों ने देखा इसको, कहा कि बिगैर ऑपरेशन के नहीं ठीक हो सकती, इसको कराइए नहीं ये मर जाएगी, इसको ऐसे ऐसे बोला। उसने कहा कि तुम पैसे का देख रहे हो, लेकिन हमने परमेश्वर पर विश्वास किया और उसके बाद में फिर बड़े 2 महीने के बाद हमने जो है कि नहीं दवा कराया। फिर एक 2 महीने के बाद फिर दर्द हुई, एक बड़े अस्पताल में सूर्या हॉस्पिटल में ले गए और उस डॉक्टर ने कहा कि जब तक नहीं करवाओगे ऑपरेशन नहीं ठीक होगा। उसने ऑपरेशन की तारीख लिख दिया, लेकिन हमने परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर ने चंगाई दे दी। हालेलुया, हमारी गवाही। आपके सामने रो रहे हैं दोनों पति पत्नी, कोई इनको नहीं पैर छूना, पाप है। सुनो, इधर आओ, शाबाश, इधर आओ। ये आपके सामने है, देखो आपको थी गांठ, माइक दे फटाफट, उधर जो पीछे आपको थी बहन, बहन है अब तो ठीक होगी तू। सुन, हाँ सुन सुन, चलो चलो सुनो मेरी बात सुनो। आप ऊपर, आप देख रहे हैं उधर से, उधर हो जाओ बेटे, उधर हो जाओ, ऊपर उठा इसको लड़की। आप देखो ये गवाही में कि इसमें लिखा हुआ है कि इसको गांठे हैं और इधर नेक्स्ट रिपोर्ट में बिल्कुल नॉर्मल है। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। इसको बताया गया ऑपरेशन होगा, लेकिन ये बहन ऐसे नहीं रो रही। जिसको दर्द है उसको पता है कि क्या होता है, लेकिन पवित्र आत्मा ने चंगा कर दिया, कर दिया कि नहीं मेरी बहन? कहाँ से आई है तू? इधर देख, मैं इधर, हाँ शाबाश, बस हो संभाल बेटे, हो संभाल, मेरी बात सुन, मैं इधर देख। सारे बोलो हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूँ कि विश्वास करो परमेश्वर सुनता है, बोलो हालेलुया। मेरे पास अभिषेक है, अभिषेक यहाँ पर जो लोग खड़े हैं, मैं जिधर हाथ कर रहा हूँ पवित्र आत्मा काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। अभी नहीं पता लगेगा, 5 मिनट के बाद जैसे ही आप घर जाएंगे अगले हफ्ते आपको पता लगेगा कि यार वहां जाने का कोई फायदा तो हुआ था। परमेश्वर सुन रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, जाएंगे जाएंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, तारीफ करें जोर से। खुदा की नजात, ऊपर उठाओ, ऊपर उठाओ, ऊपर उठाओ, शाबाश, हाँ, अपनी गवाहियों को ऊपर उठाओ, जल्दी जल्दी हट जाओ सामने से। हाँ हाँ, माइक करो सामने, इसी के सामने लड़की, माइक करो, हाँ इसके सामने। कहाँ से आए मेरी बहन? इसको पूछ रहा हूँ कहाँ से आया? उड़ीसा। उड़ीसा से। और ये कैमरामैन कहाँ से आए हैं? उड़ीसा से आए। हाँ। क्या प्रॉब्लम थी बहन, बताएंगे? शाबाश। 2 साल हुआ मेरा ये यूट्रस में ट्यूमर था, 2 ठो यूट्रस में 2 ट्यूमर थे, 2 ट्यूमर 3.5 mm और 2.5 mm का 2 ठो ट्यूमर था। हाँ हाँ।
फिर क्या हुआ बोलो? ले हैंड प्रेयर किए थे। ले हैंड प्रेयर कहाँ की थी? यहीं किए थे आप, आप मैं यहाँ पे ले हैंड प्रेयर की थी आपके लिए। आप प्रोफेसी किए? हाँ हाँ। तो दो दिन के बाद हम ये चंडीगढ़ में अल्ट्रासाउंड किए, उसका रिपोर्ट नॉर्मल आया है, उम्र गायब हो चुका है। हालेलुया। ऐसे अपने पड़ोसी को पूछो, ऐसे कैसे हो गया भाई? ना पंजाबी में पूछो, बोलो ऐसा कितना हो गया? बोलो साढ़े चर्च भी ज्यादा ही हो जाता है। कई कहते ये तो कितना हो जाता है, ये सुना बिची ये तो नहीं हो जाता। सुनो सुनो, देखो कितने दूर से आई है बेचारी, कहाँ से आई आप? उड़ीसा। सुनो मैं फिर से पूछ रहा हूँ, जान के कई लोग सो रहे थे, उड़ीसा में, उड़ीसा से आई, ले हैंड ब्रेक कराई थी आपने कभी बना शौक? और इसी समय ले हैंड ब्रेक कराई, मैं कह रहा हूँ ले हैंड का फायदा है कि नहीं चार्ज? नहीं नहीं कोई फायदा नहीं है, फ्री हैंड, फ्री हैंड ठीक है। सारे बोला हालेलुया। हाँ, दूसरी गवाही है, चार साल पहले मेरा टांग टूट गया था। हाँ, इसमें यहाँ पर ये था, प्लेट प्लेट लगा प्लेट पड़ा था, तो आप प्रोफेसी किया उसी दिन, तो दो दिन का मैं ऐसे बैठती थी, हमेशा ऐसे बैठती थी, ऐसे बैठते थे, तो दो दिन का बाद अचानक से देखी कि मैं आप पूरा बैठते हो। हालेलुया। कौन है अच्छा? यीशु। आ सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। ये परमेश्वर ने कितनी बड़ी हीलिंग दिया इस बहन को, और इसके सामने आप देख रहे हो रिपोर्ट है यहाँ पर, कि दोनों रिपोर्टों में यहाँ पर बताया गया, ये देखो कि इसको इस रिपोर्ट में इसको जूम करना, इस रिपोर्ट में बताया कि गांठिया ऑपरेशन करना पड़ेगा, और इसको जूम कर, इसको जूम कर, इसको ढंग से दिखा, यहाँ लिखा मेरी उंगली के नीचे नॉर्मल। आ कैमरामैन तू कहां पर है? कैमरामैन तू कहां पर है? गब्बर सिंह थोड़ी हूं मैं जो तू मेरे से इतना कहां पर है? ध्यान से देख, रोक ले भाई, रोक ले हाथ, रोक ले, छोड़ दे हाथ, छोड़ दे, कैमरा खुद काम कर लेगा, रुक गया। हाँ नॉर्मल है यार, छाना यार, जा यार, जा दौड़ के जाओ, दौड़ के जाओ, शाबाश शाह, कम कम इधर कर, बस बस इसको दिखा आराम से कैमरे में, क्या दिख रहा है ऊपर? हाँ हाँ मेरी उंगली ऊपर, हाँ हाँ यहाँ पे, यहाँ पे इसको दिखा आराम से, दिखा यार तू कांप रही है क्यों, वो कांप रहा है, दिखा दिखाओ दिखाओ, पकड़ो इसको, पकड़ना ध्यान से देखा, लिखा रहा है, हाँ बस पढ़ लो, नॉर्मल है, हालेलुया। हालेलुया। किसने चंगा कर दिया? यीशु ने। यीशु ने किया कि नहीं? ये परमेश्वर है, तारीफ करो जोर से, तारीफ करो, तारीफ करो जोर से, हाँ हाँ हाँ। जो भी मांगेंगे वो ही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वो भी पाएंगे, तो भूल जाएगा। हालेलुया। छोटी बात नहीं है ये, आपके सामने है, बड़ी बड़ी बीमारियों से लोग आजाद हो रहे हैं। उठाऊं शामा अपने ऊपर, उठाऊं फटाफट अपनी अपनी, हाँ हाँ दिख नहीं रहा, ऊपर उठाऊं, ऊपर टावर पर फोन कराया आपने, हाथ की हड्डी टूटी हुई थी बच्चे की, क्या आपकी बच्चे की हाथ की हड्डी टूट गई थी, और ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने बोला था, लेकिन आपने प्रोफेसी को रिसीव किया, हड्डियां जुड़ गई। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया, 6 मंथ से टीवी की प्रॉब्लम थी, नेक्स्ट हाँ आपको बोल रहा हूँ, टीवी की प्रॉब्लम थी, और उसी समय आपने अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया, टीवी की प्रॉब्लम चली गई। तारीफ करो, जाओ जाओ जाओ, हाँ अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया, यूज करने के बाद करो दिखा उसको, हाँ लीवर में सूजन थी, फैटी लीवर था, और जैसे इसने एनोइंटिंग वाटर ऑयल लगाया, रिपोर्ट के साथ है ये बैन, और नॉर्मल नॉर्मल हो चुका लीवर। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। अपनी पोजीशन में आ गया, 35 साल से थायराइड था, एनोइंटिंग वाटर ऑयल लगाया, थायराइड इज गॉन। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। 1 साल से पेंट में गांठे थी, कहां से आए आप? लखनऊ से। परमेश्वर ने चमत्कार कर दिया, हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट, अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया, 16 साल से सांस फूलने की दमे की प्रॉब्लम थी, गर्दन में सर्वाइकल का दर्द था, और परमेश्वर ने छुटकारा कर दिया। नेक्स्ट यूरिक एसिड,
बनता था बार बार अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया, यूरिक एसिड गया। आपने अभी गवाइयां सुनी, यूरिक एसिड, थायराइड, पथरियां, रसोलियां, कैंसर तक हील हो रहा है। मैं कह रहा हूं विश्वास करो, यीशु मसीह आज आपके जीवन में भी काम कर रहा है, यीशु मसीह के नाम में। ऑनलाइन प्रोफेसी को रिसीव किया, 1,26,000 रुपए की मिराइकल मनी हुई। तारीफ करो जोर से, जाए जाए। 15 साल से कह रहा अस्थमा था, 5 साल से बवासीर थी। कहां से आई तू? नेपाल से? नेपाल से। नेपाल से। और चमत्कार हो गया, अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया, बवासीर चली गई और वो अस्थमा भी गायब हो गया। तारीफ करो जोर से, हालेलुया। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। बेड पर थे, चल नहीं पाते थे, अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया, कौन नहीं चल पाते थे? आप चल के दिखाओ, शाबाश। तारीफ करो जोर से, कहीं कहते इदा कि बोलो साढ़े पंजाब च ऐसा ही हो जाए। चर्च की मिट्टी उठाने से और डाल दी दूसरे ने जाके प्लाट में, किसी के हैं, किसी के प्लाट में डाल दी और इसके नाम रजिस्ट्री होगी। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर से कह रहा हूं, जिसके पास घर नहीं है, प्लाट नहीं है, वो मिट्टी उठा के ले जाना यहाँ से। ज्यादा नहीं, सिर्फ इतनी सी, इतनी सी। पहले ही बड़ी महंगी मिट्टी हो रही है, थोड़ी ले जाना। सारे बोला हालेलुया। पांच एस नाम से प्रोफेसी की थी, 6 साल से आपको सर्वाइकल था, जॉइंट्स में, हड्डियों में प्रॉब्लम थी, गठिया बैग जैसी प्रॉब्लम थी आपको, जॉइंट्स पेन, सारे पेन होते थे, सर्वाइकल था 6 साल से, गर्दन में दर्द था। कहाँ से आए आप? जम्मू बिलावर से, जम्मू शहर से। और अभी आप चंगे हैं बिल्कुल। तारीफ करो जोर से, जाए जाए जाए, शाबाश। नीला, हाँ नीला सूट। डराओ नहीं, डराओ नहीं भाई, सर बोला हालेलुया। नीला सूट बोलकर प्रोफेसी किया था, सर्वाइकल था इस बहन को। कहाँ से आए आप? जम्मू से। और फोन पर ही आपने रिसीव किया, जम्मू वालों चंगाई आ रही है कि नहीं? आज आपने देखा, एक जम्मू से बिल्कुल मुस्लिम फैमिली से एक आदमी आया था और वो चलता नहीं था, आज वो खुद व्हील चेयर से खड़े होके और चला, काफी देर चला वो यीशु मसीह के नाम में। बोला हालेलुया। अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया, 10 साल से टाइफाइड मलेरिया था, आजाद हो गए। तारीफ करो जोर से। हाँ हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। इनकी बहन प्रेग्नेंट नहीं हो पाती थी, अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया और आज वो प्रेग्नेंट है। तारीफ करो जोर से। दवाइयां खत्म नहीं होने वाली, आप सिर पे हाथ रख लो, शाबाश। आज मैं गवाइयां मसीद नहीं लूंगा, इस भाई की कार आ गई, इस मोटे से भाई की जरूर गवाही लेनी पड़ेगी। इतना जा, तू तो कहता मैं जा रहा हूँ बे, कल का फ्लाइट मिल गया है। ए लड़की इधर खड़ी हो, ड्राइवर है क्या तू? हाँ, अभी आर नाम से प्रोफेसी किया था और गाड़ी की आशीष मिल गया। हालेलुया। ये क्या है? नौकरी है? फैक्ट्री? मतलब 11 साल से कोई जॉब नहीं था, बिजनेस नहीं था, ले हैंड प्रे कराया इसने और इसने अपनी खुद की फैक्ट्री खोल ली। अब तारी बजाएंगे, बिजनेस बढ़ गया इनका, बिजनेस बन गया। बस तारीफ करो जोर से, बोलो हालेलुया। अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया, 10 साल से बवासीर थी इस बहन को। कहां से आई बहन? बवासीर चली गई। तारीफ करो जोर से। हाँ हाँ हाँ, आप कहां से आए? हरे सूट राजस्थान से, मेरी ससुर। ये तो हमारी ससुराल से आई भाई, तभी इतनी उछल रही है। हालेलुया। अब राजस्थान वाले ये, और राजस्थान वाली ये तो बता दे, हमारे वाली चली गई क्या? चली गई। माइक कर।